बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ है अनियन ब्लॉसम। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं: एक प्याज मीडियम टू लार्ज साइज की, नमक 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून, अंडा 1 अदद, मैदा 1 कप, दूध 1 लेवल कप, उबलता हुआ पानी 1.5 कप, ये बर्फ़ का पानी 2 से 3 कप, घी डीप फ्राइंग। अनियन लेंगे, अनियन की ये बॉटम साइड है, इसमें से ये वाला पार्ट रिमूव करेंगे, बट हमने अनियन की लॉक को ख़त्म नहीं करना। ये चीज़ हमने ख़त्म नहीं करनी। अब इसका छिलका उतारेंगे और प्याज की एक तह को भी हटा लेंगे। इस साइड से भी इसकी कटिंग हो जाएगी। अभी हम रिमूव कर देंगे प्याज की नीटली एकता उतारेंगे। प्याज की बैक साइड को हमने रिमूव किया, छिलका और प्याज की एकता को रिमूव किया और ये हिस्से को कट कर लिया। अब हम प्याज की कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे, क्रिस क्रॉस में कटिंग करेंगे बट फुल नीचे तक लेके नहीं जाएंगे। 1/4 हिस्से को हम छोड़ देंगे, हमने प्याज की लॉक को नहीं तोड़ना, हमने इसको ब्लॉसम क्रिएट करना है, तो हम यहाँ यहाँ तक कटिंग करेंगे। आइए देखते हैं, साथ साथ चेक भी कर लेंगे कि 1/4 हिस्से तक ये कटे नहीं। लाइक दिस, ऐसे ही क्रॉस में भी ऐसे, अब फिर से क्रिस क्रॉस में उसी तरह 1/4 हिस्से को छोड़ के बाकी कट करेंगे। और अभी ये वाला पोर्शन ये हमने कट कर लिए, 1/4 पोर्शन को छोड़ के बाकी सारे कट कर लिए, बाकी सारी अनियन कट की है। अब हम इसके सेंटर में से थोड़ी सी कटिंग करके ये हिस्से को रिमूव करेंगे, पर नाइफ को फुल अंदर तक नहीं लेके जाएंगे, ऊपर से जस्ट हमें यहाँ पे रोम बनाना है। ऐसे अब इस प्याज को हम उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए डिप कर देंगे। हमने प्याज को सॉफ्ट करना है, हम इसको उबलते हुए पानी में डिप कर देंगे, 2 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। 2 मिनट्स हम इसको रिमूव करेंगे। देखिए थोड़ा हमने इसको गर्म पानी में इसलिए रखा है कि ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा नरम हो चुका है। अब हम इसको बर्फ़ वाले पानी में डिप करेंगे और 1/2 आवर तक इसको पानी में डिप रहने देंगे। कोटी का बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले बोल में 1 कप दूध ऐड करेंगे, इसमें 1 अंडा डालेंगे, इसको बीट करेंगे। और मैदे में से 1 टेबल स्पून मैदा इसमें शामिल करेंगे। बीट कर लेंगे।
कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। अब विस्क करेंगे, सारे लम्स खत्म करेंगे। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब मिक्सिंग बोल में मैदा शामिल करेंगे और इसमें ये सारी सीजनिंग दे देंगे, नमक, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर और सफ़ेद पिसी मिर्च। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थर्टी मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए अनियन कुछ इस तरह से, ये देखिए खुल रही है इजीली। अब हम थोड़ा सा इसको केयरफुली स्प्रेड करेंगे, इसकी पेटल्स क्रिएट करेंगे, हाथों से ऐसे इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। पैन में घी डालकर हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। कोटिंग करेंगे, मैदे वाला मिक्सर है ये। सबसे पहले अनियन को इसमें टिप करेंगे और सारे मिक्सचर को इसके ऊपर कोट करेंगे, स्प्रेड करते जाएंगे साइडों से। और ये जो पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं इनको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करके खोलते हुए ये मिक्सचर इनमें भी डालेंगे, ऐसे खोल खोल के इस तरह से पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं जो, इन्हें सारा मिक्सचर पोर करेंगे उलटते पुलटते। सारी अनियन में बैटर अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ से एजेस नज़र आ रहे हैं वहाँ से हम स्प्रेड करते जाएंगे और पेटल्स क्रिएट करेंगे और इनके दरम्यान में मिक्सर डालते जाएंगे। ऊपर वाले हिस्से में भी स्प्रिंकल कर लेंगे, ऐसे ही सारी पैटर्न जितनी भी हमें एक्सेस हो रहा है जिनका हम वहाँ पे मिक्सर को डाल देंगे। ये देखिए मैदे वाला मिक्सर हमने सारी पैटर्न में कोट कर लिए अच्छे तरीके से स्प्रेड करते करते। ये देखिए ये लार्ज हो चुका है थोड़ा स्प्रेड होके। अब इसको हम अंडे वाले बैटर में कोट करेंगे अच्छे तरीके से। ये ऐसे थोड़ा सा केयरफुली पकड़ेंगे क्योंकि ठंडे पानी में रहने से प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। इसकी साइड भी चेंज की हमने, इसमें भी अच्छी तरह से बैटर को पोर कर लेंगे। इसे भी कर सकते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट तक इसकी साइड को, दोनों साइड को कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुकिंग का टाइम इसमें चाहिए नहीं, थोड़ा सा इसमें ऐसे घी स्प्रिंकल करते रहेंगे पैटर्न्स के दरमियान में ताकि उनका क्रिस्प बना रहे। अनियन ब्लॉसम रेडी है। आप इस बैटर के साथ 3-4 अनियन ब्लॉसम रेडी कर सकते हैं।